हमको दिखा छत्ता बाजार, इसको अभी प्रेजेंट में मीना बाजार बोलते हैं, पहले इसे छत्ता बाजार बोला जाता था। यहाँ पे लाल किला के आप अंदर आते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट है, आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी लोकेशन मतलब अच्छी अच्छी जगह तो देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल हाई एस में। अभी मैं आ गया हूँ लाल किले। लाल किले आने का मतलब होता है कि क्या होता है, मतलब काफ़ी गर्मी है और 43-44 डिग्री सेल्सियस में हम अगर बाहर निकल रहे हैं कुछ दिखाने के लिए तो आप लोग को देखना चाहिए, सीधी बात है देखना चाहिए। और ये लाल किला जो देख चुके हैं, जो लाल किला बहुत मतलब काफ़ी लोग घूमने आए होंगे लाल किला, अगर जो दिल्ली में आता ही है, तो मैं कोशिश करूंगा जो आप देख लिए हैं उसको तो मैं कवर करूंगा, जो नहीं देखे उसको भी करेंगे क्योंकि आप आते हैं तो उसको देखिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो यहाँ आकर देखने में। और क्या बताऊँ, अगर यहाँ आना है तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो लाल किला ही पड़ेगा और 4 नंबर मेट्रो गेट से आप बाहर आ सकते हैं, 1 नंबर से पास में पड़ जाएगा आपको। टिकट काउंटर पे काफ़ी भीड़ रहती है तो आपको UPI की सुविधा दी गई है, आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं लाल किले के अंदर में हूँ और काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ा, अभी चलते हैं आपको लाल किले के अंदर की चीज़ें दिखाएँगे और बताएँगे क्या है यहाँ पर, और बस क्या ही है, मतलब क्या है यहाँ पे आपको देखना है। चलिए कुछ क्या अल्ताफ भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे जो देख रहे हैं उनको, क्योंकि अल्ताफ भाई काफ़ी दिनों के बाद आए हैं तो इनसे पूछते हैं और पकड़ के लाए हैं भाई कि अल्ताफ भाई चलना ही चलना है, तो बताओ अल्ताफ भाई क्या कहना चाहते हो। गाइस, भाई लोग के साथ काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और दिल्ली का जो टेम्परेचर है 43-44 डिग्री तक है और इस बीच हम लाल किला घूमने आए हैं और पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे गाइस आपको, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग साथ में। लाल किले की ऐसी भीड़ देख के मैं दंग रह गया हूँ। अभी मैं पहुँच लाल किला जैसे ही पहुँचा और जो मेरे को क्राउड दिखी यार, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी धूप में 43-44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे धूप है, ह्यूमिडिटी बहुत बहुत ख़तरनाक है। और दूसरी बात, यहाँ पहुँचने के बाद टिकट का तो अलग ही जमावड़ा लगा हुआ है, मतलब टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है हमको मिल गया है, क्या मिल गया, ऑनलाइन टिकट की सुविधा दी गई है, तो आप आइए आराम से ऑनलाइन कर दीजिए। अगर 4-5 दोस्त आते हैं कोई बात नहीं, एक आदमी का कोई भी ID प्रूफ चाहिए, हमारे अल्ताफ भाई हमारे लिए टिकट बुक कर रहे हैं, आधार कार्ड देखकर टिकट बुक करना है, कोई भी ID प्रूफ होनी चाहिए वैलिड, UPI से आप आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। अभी लाल किला लेके चलते हैं अंदर, अंदर की चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए अंदर, टिकट तो हमने कर लिया है हमारा, मतलब चलो तो अभी हम लाहौरी गेट से जैसे ही अंदर एंट्री किए हैं, अभी एंट्री करते हैं हमको दिखा छत्ता बाज़ार, इसको अभी प्रेजेंट में मीना बाज़ार बोलते हैं, पहले इसे छत्ता बाज़ार बोला जाता था। यहाँ पे लाल किला के आप अंदर आते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट है, आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी लोकेशन मतलब अच्छी अच्छी जगह तो देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लड़कियों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लड़कों के लिए भी है, आप यूनिक चीज़ें यूनिक जो वैरायटीज है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें। अभी हम मीना बाज़ार के अंदर घूम रहे हैं, अभी अंदर एंट्री कर ही रहे हैं, अंदर चल रहे हैं, आगे चलिए और भी कुछ आपको दिखाएंगे अंदर चल के, काफ़ी क्राउड है यार, तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप आके यहाँ पे खरीद सकते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा आप अगर यहाँ पे आते हैं तो। अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के अंदर की चीज़ों को आपको दिखाते हैं बताते हैं, आप यार ऐसा ही देखते हो प्यार देते रहो, चलो अंदर लेके चलता हूँ यार, दिखाऊँगा अंदर की क्या क्या चीज़ें, देखो चारों तरफ यार क्राउड ही क्राउड है, भीड़ ही भीड़। लाल किला के अंदर आप आते हैं तो आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े दरवाजे देखने को मिलेंगे,
अभी हम एक जो आप पीछे देख रहे हैं वो दरवाज़ा है, वो इसको क्या बोलते हैं अल्ताफ भाई, आगे वाले चीज़ को क्या बोलते हैं? दीवाने खास। हाँ, अभी हम दीवाने खास के सामने आ गए हैं, और दीवाने खास के पास अगर आपको आना है तो सीधा लाहौरी गेट से आप आते हैं तो दो तीन गेट पड़ेंगी, उसके सीधे सामने आपको दीवाने खास मिलेगा। अभी हम दीवाने खास के सामने है, चलिए दिखाते हैं दीवाने खास कैसा दिखता है, पहले के ज़माने में जिसने बनवाया था यार, कैसे इसको बनवाया था, और मतलब काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, हम भी चलते हैं आपको दिखाते हैं, देखते हैं। और जैसे मैं दीवाने खास से आगे बढ़ा तो मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे जो आर्किटेक्ट मतलब अच्छी अच्छी बनावट कुछ बिल्डिंग देखने को मिली। इसको हम खास महल बोलते हैं, मतलब इसमें लिखा गया कि इसको खास महल बोला जाता है। काफ़ी सुंदर सी जगह है, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठ के मतलब थोड़ी सी इंजॉय करते हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, उसके बाद से आप आते हैं तो यहाँ फ़ोटो कैप्चरिंग जो फ़ोटो करते हैं यहाँ पे कैप्चर करते हैं ना, बहुत शानदार सा व्यू आता है। आप मतलब आके आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ एक सही जगह पे आए हम, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, कुछ देर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी देर इंजॉय कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, क्या बचा है मेरे को देखने के लिए। चलिए आप लोग मेरे साथ ऐसे वीडियो को आगे इंजॉय करते रहिए, मैं लेके चल के आपको दिखाता हूँ। और गर्दा उड़ेगा भैया, ओ हेरा आनंद नई के बात हमारी बहुत सदावता, उफ नखरा कर लो जाला मेरे दिल पे धड़कनों पे तू लगा तू कर यार। लाल किला मतलब कहने की बात है कि लाल किला घूमने चलते हैं, इतना बड़ा है कि घूमते घूमते पैर थक जाएगा। मैं चलते चलते अभी आ गया हूँ सावन पवेलियम यानी सावन मंडप के पास हो, आप जैसे देख सकते हैं। सावन का मतलब समझने में मैं थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है, उसका मतलब मीनिंग क्या होना चाहिए, बट जो भी है यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी मतलब हरा भरा, ये आप देख सकते हैं पवेलियन इसका नाम है, तो काफ़ी हरा भरा है यहाँ पे, काफ़ी लोग छाँव के मतलब इतना धूप है कि काफ़ी लोग पेड़ के छाँव में बैठ के अपने इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अभी हम भी आए हैं तो हमारा तो कुछ है नहीं, वीडियो बनाना है, आप लोगों को दिखाना है, बताना है यहाँ की चीज़ों को, तो चलिए हम भी धूप में घूमते हैं, बताते हैं आप लोगों को चीज़ें, मैं खाले पर जाएंगे हम, चलो शाह। चलते चलते काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है लाल किला के हमने घूम लिया है। अभी है म्यूज़ियम जो आप देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे तीन चार म्यूज़ियम है जहाँ हमारी पुरानी चीज़ें हमारे जितने जो राजा महाराजा थे उनकी पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, तो आप आते हैं तो आप म्यूज़ियम में आके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक आकर्षण का प्लेस है रानी लक्ष्मी बाई का, जो एक सुंदर सा यहाँ पे फ़ोटो बनाया गया है, वो एक बहुत आकर्षण का प्लेस है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मतलब मैं भी देख के तंग रह गया। अभी चलते चलते मैं कहूँगा यार म्यूज़ियम का हमने टिकट ले लिया, अंदर नहीं गए क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम अंदर नहीं गए। और आगे की बात आपको क्या बताऊँ मैं, अभी चलते हैं और भी कुछ चीज़ें दिखाएँगे यहाँ पर जो है, काफ़ी हद तक हमने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को, चलिए लेके चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। चलते यार वो होता है पैर दर्द देने लगा, प्यास लग जाएगी, तो प्यास की बात जब आई है तो यहाँ पे एक जो भी लाल किला के अथोराइज है जो भी इसको देख रेख करते हैं बहुत अच्छा, पहले कि पानी का आप देख सकते हैं पेयजल का यहाँ पे फ्री में पेयजल का यहाँ पे सुविधा दिया गया है, आप आते हैं तो फ्री में पानी, ठंडा पानी मतलब शुद्ध पानी पी सकते हैं, मतलब पानी में कोई मिलावट नहीं है, मतलब अच्छा पानी है। दूसरी बात है कि आप खाने पीने हो आपको तो यहाँ पे बगल में रेस्टोरेंट आपको दिख जाएंगे, छोटी सी मतलब यहाँ पे छोटा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खा पी सकते हैं, प्राइस मिनिमम मतलब प्राइस सही है, प्राइस अफोर्डेबल प्राइस है, आप खा सकते हैं पी सकते हैं। तो अभी तो फाइनली गाइस अभी वीडियो कहीं करते हैं ख़त्म, मतलब अभी काफ़ी देर से मैं लाल किले में घूम रहा हूँ और काफ़ी चीज़ आप लोगों को दिखा चुका हूँ, इतनी धूप है
इतनी धूप है कि मतलब बता नहीं सकते। इतनी धूप होने के बावजूद मैं मतलब पूरे लाल किले को कवर करने की कोशिश किया हूँ और काफ़ी हद तक दिखाने की कोशिश किया हूँ। आप एक कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट बताओ कि हमारी मतलब हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट करो। मतलब अच्छा लगेगा कमेंट करोगे तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहले से चैनल पे हो और वीडियो देख रहे हो, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं कहीं और किसी और लोकेशन पे आप लोगों को नए वीडियो के साथ। और क्या है, और कुछ नहीं कहना है, आप इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे हमारे वीडियो पड़े हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी सारे हमारे वीडियो पड़े हैं। और तब तक आप इंतजार करो कोई अच्छे वीडियो अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे कहीं और किसी और लोगों से, मैं सबको तब तक जय सियाराम, जय सियाराम।